नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और सिटी सेंटर के साथ मैं हूं आनंद भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुंबई की सड़कों पर आज फिर से वही नजारा दिखा जो देश ने 17 साल पहले देखा था। जी हां, T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आज भारतीय टीम स्वदेश लौटी और मुंबई की सड़कों पर लाखों लोगों की मौजूदगी में विक्ट्री परेड निकाली गई। मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने आज मुंबई को भी रोक दिया। मुंबई में बारिश के बावजूद मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक लाखों लोग सड़क पर मौजूद रहे और पैर रखने की भी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। पूरी मुंबई इंडिया इंडिया के नारों से गूंजती रही। वानखेड़े स्टेडियम में BCCI ने सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ को सम्मानित किया और 125 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने ट्रॉफी देश को समर्पित की और कहा कि मुंबई कभी निराश नहीं करती और हमारा शानदार स्वागत किया गया। विराट कोहली ने कहा कि आज मुंबई की सड़कों पर जो देखा उसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बार्बाडोस में जीत के बाद ये पहली बार है जब मैंने रोहित को मैदान पर इतने सारे जज्बात दिखाते हुए देखा है। मैं भी रो रहा था, वो भी रो रहा था। इस मौके पर कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि इन लड़कों ने जो किया है वो अविश्वसनीय है। रोहित शर्मा ने शानदार नेतृत्व किया, मैं इस प्यार को मिस करूंगा। और इस पूरी विक्ट्री मार्च पर देखिए हमारे संवाददाता सुनील सिंह की मुंबई से रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप के विश्व विजेता टीम इंडिया अपने विक्ट्री परेड के तहत बस में सवार होकर NCPA से निकली थी और तकरीबन घंटे भर बाद अब यहाँ पर वानखेड़े तक पहुँच चुकी है। देखिए टीम के सभी खिलाड़ी खुली बस में ऊपर हैं और लोगों को देखिए, लोगों में जो जोश है, इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, हर कोई अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं इस पल को कैद कर लेना चाह रहा है और सभी खिलाड़ी हाथ दिखा रहे हैं लोगों की तरफ। देखिए रोहित हैं, विराट हैं, सूर्य कुमार यादव है और ये बस जो है अंदर वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश कर रही है। शोर लोगों का, सब लोग इस पल को अपने, और इन्होंने गेंद उछाल कर देखे फेंकी है एक भीड़ में। ये एक तरीका है इस जश्न का, इस जश्न को मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का। और अब ये बस चैंपियंस 2024 की ये बस जो है कि अब स्टेडियम में प्रवेश कर रही है जहां पर हजारों की संख्या में स्टेडियम में भी लोग हैं। और देखिए कप हाथ में लिया हुआ है और ये बस जो है कि विक्ट्री परेड जो NCPA से चला था मरीन ड्राइव पर, अब ये वानखेड़े स्टेडियम के अंदर तक जा चुका है। और देखिए अंदर आते ही किस तरह से बाजा बजा है, धमाके बज रहे हैं और लोग किस तरह से नाच रहे हैं। देखिए लोगों में क्या जोश है, उमंग है और एक पल इस झलक को पाने के लिए लोग कितने दोपहर से यहाँ पर खड़े थे, लेकिन आखिरकार आप लोगों ने देख लिया। फाइनली इंडिया वेटेड फॉर सो लॉन्ग और आज भी हम लोग 4 बजे से आके बैठे, वो फाइनली सामने से देखा है। वी आर लाइक मैन नाउ एंड वी आर लाइक फुलफिल नाउ। वी स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट बट वी सॉ विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड एवरीवन। मुंबई से कैमरामैन भारतीय टीम के विजय जुलूस के दौरान एक बहुत ही खास पल कैमरे में कैद हुआ। ओपन बस में हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली एक साथ नजर आए और दोनों ने एक साथ T20 विश्व कप ट्रॉफी को लहराकर फैंस को इसका दीदार कराया। रोहित और विराट को लेकर कई बार मनमुटाव की अफवाहें चलती रहीं, लेकिन दोनों के बीच गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी के साथ लाजवाब पारियां भी खेली। वहीं विराट कोहली ने फाइनल में मैच विनिंग पारी खेली। वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के बाद दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े थे।
वानखेड़े स्टेडियम से हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन की रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया की ये चुनिंदा खुशकिस्मत फैंस है जो विश्व विजेताओं को देखकर लौटे हैं। आप लोगों ने स्टेडियम में क्या देखा और बड़े जोश में आप लोग, इतना दिक्कत हो रही थी इसके बावजूद रुके रहे? देखा हमने उन लोग कैसे एंटर हुए, कैसे सारे फैंस चीयर कर रहे थे, और जैसे ही रोहित शर्मा सर ने एक वर्ड भी बोला वो सारे फैंस चिल्लाने लग गए, मुंबई चला जाओ और सब। तो आप रोहित के फैन हैं? मोर हार्दिक का फैन हूँ। हार्दिक पांड्या के फैन? अच्छा, न्यू जनरेशन। आप किसके फैन हैं? मैं विराट कोहली की, मैं बहुत बड़ी विराट कोहली की फैन हूँ। मैं सिर्फ इधर इतनी देर रुकी हूँ विराट कोहली को देखने के लिए। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू सी हिम। आप दिल्ली के हैं क्या? नहीं, आपके बोलने की रफ्तार से लग रहा है कि आप विराट कोहली के फैन हैं। मैं रोहित शर्मा की फैन हूं। I've been waiting since 2:00 and I think it's worth it. विराट कोहली के फैंस अभी? हम लोग तो इंडिविजुअल्स से ज्यादा, तो वी आर प्राउड ऑफ होल टीम इंडिया। एक बात बताइए, आप जैसे रोहित शर्मा के फैन हैं, विराट के फैन हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया T20 नहीं खेलेंगे, बड़ा दिल टूटा? बहुत 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 बुरा लगा। अच्छा, अभी यंग जनरेशन को भी ज्यादा चांस मिल सकता है, जैसे दिल टूटा पर भी बहुत दिल दुख दिल टूटा है। बस ठीक है, अभी रिटायरमेंट के टाइम में ट्रॉफी लेके जा रहे हैं विराट। इससे बड़ी अच्छी चीज क्या हो सकती है? हाई नोट पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो जस्ट टीम इंडिया के लिए चीयर करें एक छोटा सा। यस 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 इंडिया 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 इंडिया। मुंबईचा राजा रोहित शर्मा, मुंबईचा राजा रोहित शर्मा, इंडिया इंडिया। तो ये हैं जुनूनी फैंस और ये आए हैं अपनी टीम का हौसला बढ़ाने, अपने उनके साथ खुशियों में जश्न मनाने, और जश्न मनाकर लौट रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। मुंबई में आज विजय जुलूस के दौरान लोग किस कदर बेकाबू हुए ये विक्ट्री परेड पूरा होने के बाद दिखा। चर्च गेट, सी रोड पर सैकड़ों जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, लोग वहां खड़ी कारों पर भी चढ़ गए और उनका बुरा हाल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया के विक्ट्री परेड को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि मरीन ड्राइव पर जगह भी नहीं बची थी, और उस समय क्या स्थिति हुई होगी आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर चप्पल और जूते बिखरे पड़े हैं। यानी कितनी किस तरह की स्थिति तब हुई जब बस वहाँ से आई और उसको देखने के लिए, नज़दीक जाने के लिए लोगों में इस कदर यहाँ पर भगदड़ मची है कि चप्पल जूते सब लोगों के यहीं रह गए। हालांकि किसी को घायल होने की इस तरह की खबर नहीं है, लेकिन ये बता रहा है, ये जो मंजर है ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या स्थिति हुई होगी। ये देखिए, ये जो बोर्ड था मरीन ड्राइव का, ये खंभा पूरी तरह से यहाँ से उखड़ के गिर गया। यहाँ भी जूते चप्पल हैं और कई लोगों के जूते चप्पल यहीं पर छोड़ के आखिर में लोगों को जाना पड़ा है। ये देखिए, एक शख्स है, इनका चप्पल नहीं है इनके पैर में। ये आप, जब ये हादसा हुआ तब आप यहीं थे? हाँ बिल्कुल, यहीं पे। क्या नाम आपका? अरविंद। क्या हुआ था, कितने बजे? एक्चुअली जो मुंबई का परेड था, ऑल सब प्लेयर्स आ रहे थे ओपन बस में, तो आपको तो पता है मरीन ड्राइव में कितने पब्लिक आ रहे थे, तो वहाँ से यहाँ तक जो परेड हुआ ना उसमें नहीं बोल के 20-30 लोग तो गिर पड़े एक के ऊपर एक ऊपर। हाँ हाँ, और आप यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक देखोगे ना सभी के चप्पल गए। मैं नवी मुंबई खारघर से। यहाँ उस समय कहाँ थे? मैं भी बस के पीछे ही आ रहा था बस। हाँ, चप्पल गया मेरा, हेडफोन्स गया, वाटर बॉटल गया मेरा, तो इतना क्या, काफी लोगों का मोबाइल गया, लड़कियों का हैंडबैग गया, काफी कुछ नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। पूरी ये इस पर चढ़ गए थे। देखिए इस पे क्या, कौन आ गया था? अरे सर, बहुत आदमी थे भाई, इतने और गाड़ी पे चढ़ गए थे, जितने भी पब्लिक थी ना तभी ठीक ही लगी थी। हां, गाड़ी पे चढ़ गए, और आगे भी गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी दबी हुई है लेकिन इंडिया जीत गई है। यानी उम्मीद से ज्यादा या फिर जितने क्या अनुमान नहीं लगाया गया था उतने लोग यहाँ पर आ गए थे, और लोगों में जोश और जुनून इस कदर था कि अपनी सुरक्षा भी भूल गए थे। और जैसे ही बस आई यहाँ पर भीड़ उमड़ी और फिर इस तरह से हंगामा हुआ है कि जिसके निशान अभी भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें कोई घायल हुआ है, किसी को चोट आई है, ये अभी तक यहाँ पर कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन सिर्फ चप्पल है वो कहानी बता रहे हैं कि यहाँ पर इसमें क्या हुआ।
और अब वो चार ऐतिहासिक लम्हे जिन्हें कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भुला पाएगा। भारत ने 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2007 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, 2011 का वर्ल्ड कप जीता और अब 2024 में रोहित शर्मा की लीडरशिप में एक बार फिर से भारत ने कमाल कर दिखाया, शानदार खेल किया और 2024 का T20 वर्ल्ड कप देश के नाम किया। अगली खबर का रुख करते हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा नारायण साकार हरि के 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाबा को लेकर पुलिस ने कहा है कि अगर जांच के दौरान बाबा की भूमिका सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाबा के सबसे करीबी सेवादार देव प्रकाश पर पुलिस ने 1,00,000 रुपये का इनाम रखा है। NDTV ने ऐसे कई परिवारों से बात की है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। अब वो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को सूरत बाल उर्फ बाबा भोले के सत्संग में हुई भगदड़ के दौरान हुए हादसे के मामले में हाथरस पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। पुलिस के मुताबिक यह सभी आयोजन कमेटी के सदस्य और बाबा के सेवादार हैं। जब पुलिस से पूछा गया कि बाबा कहाँ हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी तो पुलिस बचती हुई नजर आई। पुलिस ने कहा कि बाबा के खिलाफ तभी कार्रवाई होगी जब उसकी भूमिका सामने आएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। FIR के अंदर वो नेम्ड नहीं है। FIR में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है, आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1,00,000 रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका MBW इशू कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बाबा के पुराने आपराधिक दर्ज मामलों के बारे में अलग अलग जिलों से जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने FIR में आरोपी नंबर 1 और बाबा के सबसे करीबी सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 रुपए का इनाम रख दिया है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी 121 मृतकों के पोस्टमार्टम हो गए हैं और उनके शवों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि प्रशासनिक लापरवाही पर IG ने कहा कि इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया सभी की पूरी हो चुकी है। वहीं अब बाबा के कट्टर समर्थकों के परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है वो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस के सोखना गांव के रहने वाले प्रताप सिंह की 70 साल की मां जयमंती, भाभी 42 साल की राजकुमारी और 9 साल की भतीजी की सत्संग में मौत हो गई। मां की, हमारी भाभी जी इनकी और उनकी लाली की भतीजी की। क्या नाम थी उनकी? लाली का भूमि 9-10 साल की थी, भाभी जी करीब 42 साल की थी। क्या नाम था उनका? राजकुमारी। और माता जी करीब 65-70 साल की थी। कब गई थी यहाँ से? ये 2 तारीख को सुबह गई थी 8-9 बजे। बहुत रोकते थे मैंने कि इनको मत मानो, बाबा आए तो मैंने कि जो हमारे घर में जन होनी हो रही है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं जब कभी, और इसके हस्बैंड मतलब मेरे जेठ जी लगते थे वो भी खत्म हो गए। मैंने जब जो इसका बेटा भी वो भी खत्म हो गया, मैं जब तुम्हारे प्रभु हुए तो इतना कुछ हो गया, रोका क्यों नहीं? ठीक बात है। सुबह कहती थी अरे तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैंने कि नहीं हम नहीं जानते।
सोखना गांव की ही रहने वाली 65 साल की सोन देवी की सत्संग में मौत हो गई। उनके दो बेटे हैं, एक बेटा बाबा का भक्त है तो दूसरा बाबा से नफरत करता है। एक कह रहा है जब इतना बड़ा हादसा हो गया था तो बाबा को तुरंत वापस लौटना चाहिए था। दूसरा कह रहा है कि बाबा ने कुछ नहीं किया, सत्संग में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से छेड़खानी की और भगदड़ मच गई। मास्टर वहाँ के लोगों ने हादसा हुआ है, आज तक ऐसे हमारी संगत में कभी हादसा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ वहाँ के जो कुछ लोग दारू पी करके उपद्रवता मचाई उन्होंने, तुमको जी मालूम नहीं थी जी, बाप जाना था अपने जी, तुम्हारी वजह से जी भाईचारा जा रहा है, तुमको देखने जा रहा है, तुम्हारी भी सुनने जा रहा है, तुम भी ऐसे नहीं लौट गए के लौट के आने। मैनपुरी के रहने वाले मिनेश कुमार की 54 साल की माँ रामकली अब भी लापता है। रामकली सोमवार को सत्संग के लिए निकली थी, उसके बाद उनके फोन पर किसी दूसरी महिला से बात हुई। मिनेश कहते हैं कि माँ को सत्संग में जाने से बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी, अगर माँ मिल जाए तो मैं उनको सत्संग में कभी नहीं जाने दूंगा। अब हम मना करते तो वो कोई मानते तो है नहीं। आपने मना किया कभी जाएगा? मैंने बहुत बार किया। अच्छा। घर पे कर लिया करो, बड़े बूढ़े हो गए हो, अब वो नहीं मानते तो हम क्या करें बता। इस घटना को लेकर कई सवाल हैं। पुलिस ये तक नहीं बता रही कि किस संगठन ने सत्संग को लेकर परमिशन ली थी और उसका बाबा से क्या कनेक्शन है। एक बात तो साफ है कि हाथरस पुलिस बाबा के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है, यहाँ तक कि पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ भी नहीं की है। कार्रवाई के नाम पर बाबा के सेवादारों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बाबा आराम से मैनपुरी के आश्रम में बैठा हुआ है। हाथरस से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में खंडवा से एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि आरोपी इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है, आरोपी लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था। सुबह लगभग 4 बजे का वक्त, खंडवा के सलूजा कॉलोनी में धड़ाधड़ कई गाड़ियां रुकी, हाथों में बंदूक लिए कई पुलिस वाले उतरे और एक शख्स को हिरासत में ले लिया। लगभग उसी वक्त गुलमोहर इलाके में भी पुलिस पहुंची। तो चार जवान मिलिट्री ड्रेस में, चीत कवरी ड्रेस पहने थे और हेलमेट लगे हुए थे, और चार जवान चार या पांच सिविल ड्रेस में थे। तो दरवाजा खटखटाया बच्चे का नाम लेके, तो दादी ने दरवाजा खोली तो दादी को धक्का दिया और अंदर हो गए और सारा घर में सामान वामान फैला दिया और नए पुराने मोबाइल सब ले लिए उनसे, और उससे पूछताछ कर रहे तो बोले आप हमको कॉपरेट करो। 4 बजे के आसपास की बात है, यहाँ पे मेरे घर के सामने रहते हैं ये लोग, तो यहाँ चिल्ला चोट की कुछ आवाज आई तो हम लोग सब बाहर निकल के आए, तब तक के लोग जो बच्चे को लेकर गए ये लोग यहाँ से जा चुके थे। एटीएस ने बताया कि उसने सलूजा कॉलोनी के कंजर मोहल्ला से 34 साल के फैजान शेख को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से मैकेनिक है लेकिन प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा है। ये यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था, और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं उनसे भी संपर्क कर रहा था। एटीएस का दावा है कि उसे शेख से जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म भी उसके पास थे। शेख के मोबाइल और दूसरे डिजिटल डिवाइस में जैशे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा के जिहादी साहित्य वीडियो और फोटो मिला है। पुलिस के मुताबिक शेख के तार सिमी से भी जुड़े थे, शेख लोन वुल्फ अटैक के फिराक में था। फैजान सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद से संबंधित वीडियो अपलोड करता था। फैजान IM और ISIS की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। शेख मुल्ला उमर के बयान और अंसार रजवायतुल हिंद से संबंधित पोस्ट भी सोशल मीडिया में डालता था। मध्य प्रदेश ATS ने खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के जिस कथित आतंकी को गिरफ्तार किया है उसके निशाने पर सुरक्षा बल के ही लोग थे। खंडवा से अपने सहयोगी निषाद सिद्दीकी, भोपाल से अजय शर्मा और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।